देश भर में जैन तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा के लिए शिवपुरी शहर में सकल जैन समाज ने निकाला मशाल जुलूस। हम अहिंसक हैं किंतु कायर नहीं। जिस तरह से जैन तीर्थ क्षेत्र पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई है और सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसे समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम सब मिलकर मशाल जुलूस निकाल रहे हैं ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए और वह तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करे। ये बात जैन समाज की ओर से प्रदर्शन निकल रहे सकल दिगंबर जैन महापंचायत के महामंत्री सुरेंद्र जैन आमोल ने कही। जैन तीर्थ क्षेत्रों एवं जैन धर्म की रक्षा में सतत प्रयास में जुटे विश्व जैन संगठन द्वारा रविवार 17 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में जैन तीर्थ की रक्षा एवं धर्म बचाओ आंदोलन का आगाज किया है, जिसके समर्थन में सकल जैन समाज शिवपुरी द्वारा 15 दिसंबर शुक्रवार को शाम 6 बजे से पार्श्वनाथ दिगंबर जैन छत्री मंदिर शिवपुरी से मशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें जैन समाज शिवपुरी के महिला पुरुष ने सहभागिता की। सकल जैन समाज महापंचायत समिति शिवपुरी के अध्यक्ष दिनेश जैन ने बताया कि पिछले कई सालों से जैन तीर्थों में और जैन धर्म पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है जिसमें प्रमुख रूप से उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं, गिरनार, पावागढ़, सम्मेद शिखर, मदारगिरी, पालीताना, केसरिया, गोमटगिरी, अंजनगिरी आदि अनेक ऐसे जैन तीर्थ हैं जिन पर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिन्हें सरकारें भी पूर्ण समर्थन दे रही हैं। इस कारण पिछले एक वर्ष से जैन समाज बार बार सड़कों पर उतर रही है, लेकिन सत्ताधीशों द्वारा जैन समाज की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इस कारण अब देश भर के जैन समाज ने 17 दिसंबर को पुनः रामलीला मैदान दिल्ली में विशाल रूप से आंदोलन करने का निर्णय लिया, जिसके समर्थन में शिवपुरी जैन समाज द्वारा शुक्रवार को छत्री जैन मंदिर से जैन समाज ने जुलूस निकाला, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंचा। निकाली गई है, आप देख रहे हैं, हमने इसके पहले भी भारत सरकार को आगाह किया था, लेकिन भारत सरकार ने हमारी बात मानी नहीं और ना ही हमारे तीर्थों को हमें दिलवाया गया है। इस हेतु यह रैली और मशाल जुलूस निकाला गया। अगर यहाँ पर आपकी बातें फिर भी अनसुनी की जाती हैं तो उसके बाद का क्या? उसके बाद जैन बच्चा अपनी आन बान और शान और तीर्थों को बचाने के लिए अपने प्राण भी दे सकता है अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो। ये आप देख रहे हैं, ये जो मशाल जो रैली है, अगर हमारी बात को अनसुना किया जाता है, हम किसी भी स्थिति में अपने धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राण भी नौछावन कर सकते हैं। आपका मेन उद्देश्य क्या है? हमारा मेन उद्देश्य हमको हमारे तीर्थों की रक्षा करना है और हमारे तीर्थ हमको मिलना चाहिए, हमारा मेन उद्देश्य। तो क्या दिक्कत आ रही है आपको बाहर? हमारे तीर्थों पर हमको जाने नहीं दिया जा रहा, हमें जयकारा नहीं बोलने देते, हमको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा, वहाँ हमको दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं, ये हमारी मेन खजुराहो के नहीं, ये गिरनार पर्वत गुजरात में है, वहाँ पर हमारे पहाड़ है एक बड़ा, जहाँ से नैमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर हमारे मोक्ष गए हैं, वहाँ पर ये असामाजिक तत्वों के द्वारा कब्जा किया। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र जैन आमोल।